सभी को पता है भारत जो कि है नदियों का सम्मेलन है, भारत में अनेक प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, तो इसी हिसाब से भारत में दो प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इन नदियों को, जो कि पहला भाग को बोला गया हिमालयन और दूसरे भाग को बोला गया प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालय नदी देखिए वो नदी होती है जो कि हिमालय से निकलती है, तो उसको हिमालय नदी बोलता है बोला जाता है, और प्रायद्वीपीय नदी वो होती है जो दक्षिण भारत की तरफ निकलती है, उसको प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। ओके, तो हिमालय देखिए आपको पता भी होगा जो कि इस तरफ से यहां से लेके ये आपकी जो वैलीज है वो हिमालय की ये वाली है। ओके, तो ये तीनों जो वैली है वो आपकी हिमालय में गिनी जाती है। तो यहीं पर एक तिब्बत के इलाके में एक इलाका पड़ता है मानसरोवर। ओके, और एक बात यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, जो भारत को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि नदी जो की है वो छोटी नदी जाकर किसी न किसी सागर या बड़ी नदी से जाकर मिलती है। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, तो एक तरफ होगी आपकी बंगाल की खाड़ी, तो आप, और एक तरफ होगी आपकी अरब सागर। तो आपको ऐसे याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो आपने यहाँ पर देखा होगा इस तरफ वेस्ट बंगाल पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल जिस तरफ है उस तरफ आप याद रख सकते हो बंगाल की खाड़ी है, और इस तो बाकी दूसरी तरफ अरब सागर है। कई बार मिक्स भी हो जाता है, बंगाल की खाड़ी इधर कर देते हैं बच्चे, अरब की सागर इसलिए इधर कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। ओके, अब बात करते हैं अपने मानसरोवर की, जो कि मैंने बताई थी। यहाँ से एक नदी होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए बहती हुई पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए ये अरब सागर की तरफ गिर जाती है। ओके, ये नदी बोला गया है इस नदी को, जो कि आप जानते भी हो सिंधु घाटी, यानी कि सिंधु नदी बोला जाता है इसको, जो कि मानसरोवर से बहती है, जिसकी लंबाई जो है वो है 3,180 किलोमीटर। देखिएगा इसकी लंबाई को भी। ओके, ये नदी जो है ये बहती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है, और इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। ओके, जैसे कि पहली होगी आपकी, ऊपर ध्यान रखिएगा जो सीक्वेंस वाइज है, सीक्वेंस वाइज में बता रहा हूँ और उसी को ही आप ध्यान रखिएगा। पहले आपकी सहायक नदी होगी झेलम, दूसरी होगी चिनाब, तीसरी होगी रावी, चौथी होगी आपकी व्यास, और पांचवी होगी आपकी सतुलज। तो इसी लाइन में आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ सकते हैं ये प्रश्न कि सिंधु घाटी या सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, क्रम अनुसार लगाइए, तो क्रम उनका यही होगा झेलम, आपका जो मैंने आपको क्रम बताया झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतुलज, तो ये ध्यान रखिएगा इसका क्रम। ओके, और एक आपसे यहां से ये पूछा जा सकता है कि सतुलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान रखिएगा अगर आपसे ये पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है, तो वो सतुलज नदी पर है, जो कि भांगलवाड़ा बांध कहा जाता है इसको। ओके, तो यही जो बांध है वो सतुलज नदी पर बनाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। देखिए सिंधु नदी आपको पता भी होगा, सिंधु नदी समझौते के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जो कि 1960 में जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था, जो कि देखा आपने देखा होगा जो सिंधु नदी है वो इंडिया से बहुत कम होकर गुजरती है, ज्यादातर पाकिस्तान में ही है। तो लेकिन जो वो आपके समझौता हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो समझौते में उन्होंने ये कहा था कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो तीन नदी है, इन तीनों नदी का 80% पानी जो यूज करेगा वो पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% पानी इंडिया यूज करेगा। बाकी तीन नदी बच गई आपकी रावी, व्यास और सतुलज, इन तीनों नदी का 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, यानी कि बिल्कुल अपोजिट है। तो ये हुआ था सिंधु का जो कि समझौता हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ नदी दूसरी नदियों के बारे में। देखिए उत्तराखंड में यहाँ पर गंगोत्री, यहाँ से निकलती है हमारी गंगा, और निकलते हुए बिहार, यूपी, झारखंड की तरफ से बहती हुई चली जाती है आपकी ये बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश होते हुए। ओके, तो जिसकी हाइट अगर आपसे पूछी जाए कि इंडिया की यानी कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इंडिया की सबसे लंबी नदी आपकी यही होगी गंगा, जिसकी लंबाई क्या है 25-25 मीटर। ओके, सॉरी 25-25 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं देखिए इसके आगे, तो ये नदी जो जाती है इसको यहाँ से गंगोत्री से जब निकलती है और ये जाकर जब बांग्लादेश में चली जाती है, तो बांग्लादेश में इसको अलग नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंडिया में इसे गंगा कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको पद्मा बोला जाता है, और जाकर कहाँ मिल जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में। उत्तराखंड के इसी के साइड से एक और नदी निकलती है, जो कि आगे जाके इलाहाबाद प्रयाग, जो कि मैंने आपको बताया भी था, जो कि गुप्त काल की उस टाइम ये उनका राजधानी बनी थी, तो ये नदी यहां से निकलकर प्रयाग इलाहाबाद में जाकर गंगा के साथ मिल जाती है। ओके, और इसकी जो लंबाई है वो 1,310 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। यमुना,
आगे जाकर ये यमुना के साथ मिलकर, ये भी यानी गंगा के साथ मिलकर, ये भी जाकर कहां पर चली जाती है, वो बंगाल की खाड़ी में। ओके, अब बात करते हैं मानसरोवर। मानसरोवर के पास से, यानी कि जो मैंने आपको बताया था सिंधु नदी निकलती है, वहां से एक और नदी निकलती है जिसको बोला जाता है तिब्बत में सापो, जो कि यहाँ से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से अंदर होती हुई यहाँ से आपकी बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जो कि आपको देखिए, ये जो मानसरोवर से जब ये नदी निकलती है, जब इसको बोला जाता है तिब्बत में सापो, जिसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा 2900 किलोमीटर है। लेकिन ये जो हिस्सा जब अरुणाचल प्रदेश में घुसता है, जब इसको इंडिया में क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र, तो ध्यान रखिएगा इसको तिब्बत में बोला जाता है सापो, इंडिया में घुसने के बाद इसको इंडिया में बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। जब इंडिया में ये प्रवेश करती है, तो इंडिया में इसका टोटल 915 किलोमीटर का ही हिस्सा ही आता है। ओके, बाकी सारा हिस्सा कहाँ आ जाता है, वो सापो के अंदर ही रहता है, यानी कि तिब्बत में रहता है। और जब ये भारत से निकल कर बांग्लादेश में जाती है, तो बांग्लादेश में इसको अलग नाम से जाना जाता है, जो कि बांग्लादेश में इसको बोला जाता है जमुना। तो ध्यान रखिएगा इसी नदी का तीनों नाम है, आपको तिब्बत में बोला जाता है सापो, भारत में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जाकर इसे बोला जाता है जमुना, जिसकी टोटल लंबाई मैंने आपको बता दी 2900 किलोमीटर है, और इंडिया में इसका टोटल 915 किलोमीटर है। ओके, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी वो ब्रह्मपुत्री होगी, ध्यान रखिएगा सबसे चौड़ी नदी। ओके, तो आंसर क्या आएगा आपका, ब्रह्मपुत्र, जिसको बांग्लादेश में जाने के बाद क्या बोला जाता है, जमुना। तो ये जाकर नदी मिल जाती है किससे, जो कि हमारी इंडिया से जो जा रही थी गंगा, उसी से जाकर ये लास्ट में मिल जाती है। जब ये बाद में जब वहां जाकर मिलती है, तो वहां पर जाकर इसको क्या बोला जाता है, बांग्लादेश में मेघना, ध्यान रखिएगा इस नाम को। जब गंगा निकलकर बांग्लादेश में जाती है, तो गंगा को बोला जाता है पद्मा, और जब ये जो सापो निकलकर इंडिया में आती है, उसे ब्रह्मपुत्र, इंडिया से निकलकर जब जाती है बांग्लादेश में, तो जमुना। और जमुना यानी कि ये नदी और गंगा नदी जब दोनों मिलती है, उस मिलने को बोला जाता है मेघना, यानी कि मिलने के बाद उसको बोला जाता है मेघना। ओके, और ये दोनों मिलकर बांग्लादेश में, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो वहां पर एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि डेल्टा आपने सुना भी होगा, सुंदरबन डेल्टा। तो ये सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का, जो कि सुंदरबन डेल्टा है, बांग्लादेश और इंडिया के हिस्से में आता है। ओके, तो ये होगी आपकी टोटल आपकी ऊपर हिमालयन नदी के बारे में। कुछ नदी एक दो और बता देता हूं, जैसे कि यहां पर देखो आपकी अरावली है, अरावली पर्वत आपको पता भी होगा, जो कि दिल्ली इस पर स्थित है, और सबसे ऊंची चोटी अरावली की कौन सी है, और रायसेना हिल है, और सबसे प्राचीन पर्वत भी बोला जाता है इसको। और रायसेना हिल पर हमारा क्या बन रखा है, जो कि राष्ट्रपति भवन बन रखा है, मैंने आपको प्रश्न बताया भी था। ओके, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी, ध्यान रखिएगा इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लूनी नदी जब निकलती है, ये ना ही किसी बड़े सागर में जाकर मिलती है, ना ही बड़े किसी नदी में जाकर मिलती है। ओके, ये कच्छ के तल में जाकर लुप्त हो जाती है, ध्यान रखिएगा। आपसे एक प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि कच्छ के तल में जाकर कौन सी नदी लुप्त हो जाती है, तो वो लूनी नदी है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये होगी आपकी सारी ऊपर हिमालयन नदी के बारे में बात। ओके, अब मैंने आपको जो बताया गंगा की सहायक नदी कौन सी है, जमुना, और इसके अलावा बहुत और भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर जो कि ये यमुना, ये गंगा की, जैसे कि आपकी शोक नदी होगी बिहार की, जो कि मैंने आपको बताया था, कोसी, ऐसे करके छोटी मोटी नदियां बहुत है इस तरह से मिलती हैं, लेकिन उसके बारे में इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते, जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी। एक नदी और यहाँ से बहती हुई निकलती है, जो कि जमुना की, ध्यान रखिएगा वो जमुना की सहायक नदी है, जो कि जिसको बोला जाता है आप उसको बलवा। ओके, ध्यान रखिएगा वो यमुना की सहायक नदी है, इसके बारे में इतना विस्तार में नहीं बताऊंगा क्योंकि पूछा भी नहीं जाता। अब बात कर लेते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, जो कि नीचे है। सबसे पहले नदी हम बात करेंगे उन तीन नदियों के बारे में, जो कि यहाँ पर एक राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़, वहां पर एक जगह का नाम है अमरकंटक, वहां से तीन नदियों होकर तीनों दिशाओं में बहती है, जो कि एक बहती है आपकी पश्चिम की ओर, एक बहती है आपकी उत्तर की ओर, एक बहती है आपकी दक्षिण की ओर। तो पहले बात कर लेते हैं जो कि उत्तर की ओर बहकर आपकी गंगा में जाकर मिल जाती है, जिस नदी का नाम है सोन नदी। ध्यान रखिएगा आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि अमरकंटक से वो कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिल जाती है, तो वो आपकी सोन नदी होगा। ओके, और यहाँ से एक नदी और बहती हुई जाकर अरब सागर में मिल जाती है, जिसका नाम है नर्मदा नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिल जाती है या फिर पश्चिम की ओर बहती है, तो आपका आंसर होगा नर्मदा नदी, ध्यान रखिएगा। ओके, एक नदी और पश्चिम की ओर बहती है, इसके नीचे से ही बहती है,
जो कि आपकी होती है तप्ती, ये भी जाकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। और इन नदी के बीच में एक पहाड़ी पाई जाती है जिसको बोला जाता है सतपुड़ा की पहाड़ी। तो ऐप से अगर पूछा जाए सतपुड़ा की पहाड़ी के इर्द आसपास कौन सी नदी बहती है, तो आपसे ऑप्शन में देगा नर्मदा और तप्ती। तो ध्यान रखिएगा ये नर्मदा और तप्ती जो दोनों है अरब सागर में जाकर मिल जाती है और पश्चिम की तरफ होकर बहती है। और एक प्रश्न आपसे यहाँ से एक और पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी या द्रोणी से होकर बहती है, जो कि जो सतपुड़ा पहाड़ी है ये पर्वत की एक श्रृंखला होती है जो इसके बीच में वैली होती है, उसको रिफ्ट कहा जाता है या द्रोणी कहा जाता है, तो इसी के बीच से होकर बहती है। तो आपको अगर ये भी पूछा जाए कि रिफ्ट घाटी या द्रोणी से होकर बहने वाली वो नदियाँ कौन सी है, तो नर्मदा और तप्ती ये दोनों ही उसका सही आंसर होगा। ओके, ये हो गया आपकी प्रश्न की बात। अब बात कर लेते हैं अमरकंटक से जो तीसरी नदी निकलती है, वो नदी निकल कर बहती है आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, और उस नदी का नाम है महानदी, ध्यान रखिएगा। और महानदी पर एक बांध बन रखा है जिसको हीरा कुंड बांध भी बोला जाता है, और ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बांध हीरा कुंड बांध कौन सा बांध है, तो वो हीरा कुंड बांध होगा, और कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए किस नदी पर है, तो महानदी पर है। तो तीनों प्रश्न के जवाब मैंने आपको दे दिए, आपको तीनों में से कुछ भी पूछे तो उसका आंसर ध्यान से दीजिएगा। ओके, यहीं से इसके नीचे एक थोड़ी सी एक नदी और बहती हुई कर यहाँ से बहती हुई है ताप्ती के नीचे, जो कि आपकी गोदावरी है और जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, जो कि जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है या बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो आपकी गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, और आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर भी यही होगा गोदावरी। तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरी नदी यानी कि नेक्स्ट नदी जो कि है प्रायद्वीपीय, वो आपकी यहाँ कर्नाटक से होकर बहती हुई जाकर मिल जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में, जिसको बोला जाता है कृष्णा नदी। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। और ये कहाँ पर जाकर मिल जाती है, ये मिल जाती है आपकी या इस तरफ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, इसको बोलते हैं कृष्णा नदी। और एक क्वेश्चन कृष्णा नदी से आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कृष्णा नदी पर एक डैम बना हुआ है यानी कि बांध बना हुआ है जिसको बोला जाता है नागा अर्जुन सागर बांध, तो नागा अर्जुन सागर बांध किस पर बना हुआ है, वो आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके नीचे एक और नदी जा रही होगी और वो भी जाकर मिल जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, जिसको बोला जाता है कावेरी नदी। अगर आपसे पूछा जाए भारत की, यानी कि ये नंबर तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि इससे छोटी नदियां और भी हैं और इससे थोड़ी बड़ी नदियां और भी है, तो ये काफी नीचे जाकर मिल जाती है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा, दूसरी गोदावरी, तीसरी कृष्णा, चौथी यमुना। ओके, अब बात कर लेते हैं लास्ट यानी कावेरी, जिसकी लंबाई है 805 किलोमीटर, जो कि मिल जाती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए शिव सुंदरम जल प्रपात कहाँ पर होता है, तो काली कावेरी नदी पर ही होता है। और कावेरी नदी से एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है कि आपने देखा भी होगा, जो पिछली बार केवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पुटअप भी हुआ था कि तमिलनाडु और कर्नाटक या फिर आपका कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तो तमिल ये एक नदी जो बहती हो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है, तो कावेरी नदी से जो भी प्रश्न आएगा या कोई भी विवाद आएगा तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ही दोनों विवाद चल रहे हैं। ओके, अगर आपसे प्रश्न ये आ जाए कि कावेरी नदी के विवाद में कौन से दो राज्य घिरे हुए हैं, तो आपका आंसर यही होगा तमिलनाडु और कर्नाटक। ओके, तो ये कुछ भारत की नदियां थी जो कि प्रमुख नदियां आपको मैंने सारी बता दी हैं, जो कि किस तरफ बहती है और क्या क्या होकर बहती है, वो सारे इंपॉर्टेंट आज मैंने इस क्वेश्चन में आपको बता दिए। और एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा पर्वत है जो कि जल विभाजक का कार्य करता है, तो मैंने आपको जो बताया था ये अरावली पर्वत, जहां से लूनी निकलती है, अरावली पर्वत ही है जो जल विभाजक का कार्य करता है। ओके, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए वह कौन सा पर्वत है जो जल विभाजक का कार्य करता है, तो वो अरावली पर्वत है।
तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और दोस्तों कुछ बंदरगाह भी है आपके पूर्व और पश्चिम के तट पर, जो कि कुछ मैनमेड है और कुछ प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी भी वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सुझाव है, कोई भी डाउट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस लाता रहता हूं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।